नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का सह संग्राम जारी। कोई उत्तर प्रदेश में कमल खिलाना चाहता है, किसी को पसंद आ रही है साइकिल की सवारी। जी हां, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे हैं आम जनता से उनका ओपिनियन लेने के लिए। लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी जीत कर आ रही है और कौन से वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर मतदाता अपना मतदान करेंगे। आइए हम लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, बताइए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी विजयी होके आएगी? इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, आप उन विकासों को देख सकते हैं। आज आप लखनऊ को ही देख लीजिए, जो इस देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा, देखिए आप उन्होंने लखनऊ शहर में कितना विकास किया है। जहां पर जाम की स्थिति थी वहां पर फ्लाईओवर बनवाया है और इस सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिया है। कोरोना काल में आप देख लिए, बाकी राज्यों की स्थिति देखिए और इस राज्य में देख लीजिए कि कोरोना में लोगों को दवाई, टीकाकरण और 100% जो टीकाकरण है इस प्रदेश में इस सरकार के द्वारा किया गया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि जो अयोध्या में इस सरकार के द्वारा जो 7 सालों से विवाद चला रहा था, उस विवाद को ख़त्म करके राम राज्य की स्थापना की जा रही है। जैसा कि सर आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, कोरोना में काफ़ी सारे राशन बांटे, दवाएं बांटी, लेकिन विपक्ष हमेशा आरोप लगाता आया है कि कोरोना में उत्तर प्रदेश की सरकार विफल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी, लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हुए, ये विपक्ष हमेशा से आरोप लगा रही है। जब से कोरोना महामारी आई है तब से उत्तर प्रदेश सरकार पे विपक्ष का काम है विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी का काम है कार्य करना। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य में अपने विश्वास रखती है, ना कि विरोधियों की बात पर विश्वास रखती है। जी सर, आपका क्या नाम है? राजू तिवारी। तिवारी जी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है 2022 में कौन सी पार्टी जीत के आने वाली है? भाई मेरे अभी चुनाव तो 10 मार्च तक है, ठीक है, और उसमें पूर्ण बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है और आना भी चाहिए। वो कौन से ऐसे मुद्दे, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आप प्रभावित हैं और आपने ये माना है कि अब भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक मुद्दा है और कुछ नहीं, उसके अलावा है केवल गुंडा राज खत्म, बस और कुछ नहीं है। गुंडा राज भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है, लेकिन महंगाई, रोजगार, ये भी तो मुद्दे हैं आम जनता के लिए। इन पे तो हमेशा आरोप लगता है कि आप रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल भैया, ऐसा है जो पढ़ाई कर रहा है या जिसको रोजगार चाहिए, हर आदमी अपना काम कर रहा है घर में बैठकर या किताब को तकिए के नीचे रखकर जो है विकास। और रही बात, हाँ विकास सबसे बड़ा बात आपने कहा, विकास के लिए, विकास तभी होता है जब महंगाई बढ़ती है। महंगाई से हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं, बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ विकास भी हो। और दूसरी चीज़, हमारी जितनी भी इंटरनेशनल अगर आप लेवल पे देखेंगे तो आर्मी या फोर्स से ले लीजिए, तो उनकी क्या स्थिति थी और आज के टाइम में क्या स्थिति है, तो एटलीस्ट जो भी हुआ है वो देश के लिए हुआ है और देश के लिए जो भी कदम उठाया जा रहा है वो उचित उठाया जा रहा और बेहतरीन तरीके से उठाया जा रहा और वह एक सराहनीय कार्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम? आप सर कुछ? संतोष यादव जी। संतोष यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा चुनाव में सरकार, अखिलेश जी फिर से सीएम बनेंगे और जैसा 5 वर्षों में उन्होंने कार्य किया था 2012 से लेके 2017 तक, वो कार्य हम भाजपा से भी कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे कि वो खुद देख सकते हैं कि उन्होंने कार्य क्या किया था 5 वर्षों में। इकाना स्टेडियम दिया, आगरा एक्सप्रेस वे दिया, रिवर फ्रंट दिया आपका लखनऊ में, तो ये सब विकास के कार्य थे उन्होंने किए, तो उसी को लेके फिर से वो आए हैं और फिर 2022 में सीएम के पद पे विराजमान होंगे। जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी पूर्व सरकार में इकाना स्टेडियम दिया और कई सारे विकास कार्य लाए, लेकिन विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी पे बहुत बड़ा आरोप लगाती हैं कि उनके सरकार में गुंडा राज बढ़ जाता है, गुंडई होने लगती है। ये समाजवादी पार्टी पे लगाया जाने वाला सबसे बड़ा आरोप है, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए अखिलेश जी जब सीएम, मतलब 2012 में, तो सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया था, जितने भी अपने पार्टी में, हमारे सपा में गुंडे टाइप के लोग थे, सबसे पहले उनको बाहर किया था। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी सबसे पहले
टिकट नहीं दिया अपराधियों को। आज प्रेजेंट टाइम में पत्रकारों से पूछा जा रहा है, अखिलेश जी ने खुद स्वयं पूछा कि आप पत्रकारों से पूछा कि आप बताइए भाजपा ने कितने अपराधियों को टिकट दिया है, तो पत्रकार इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस बार जो टिकट वितरण हुआ है, भाजपा तो कह रही है हमने जिन्होंने जितने टिकट वितरण किए हैं कई सारे अपराधियों के टिकट वितरण किए हैं। नहीं, वितरण किए हैं, सुनिए तो वही तो पूछ रहे थे अखिलेश जी कि आप बताइए, आप अपने मुंह से नाम लीजिए, तो पत्रकार पीछे हट गए। हमारा कहना है, देखिए निष्पक्ष रहे, पत्रकार आप भी हों चाहे कोई भी मीडिया हो, सब निष्पक्ष रहें, निष्पक्ष तरह से बात करें। अब ईमानदार अगर आपको मैं कह दे रहा हूँ तो आप चिढ़ जा रही हैं, इस पर आपको चिढ़ना नहीं चाहिए। अंजना कश्यप जी चिढ़ गई इस बात पर, तो उनको चिढ़ना नहीं चाहिए। आप ईमानदार हैं तो आप अंदर से ईमानदार हैं पूरा पूर्ण रूप से। तो अखिलेश जी के मैं कार्यों को मतलब मैं बड़ाई करना चाहूँगा कि अखिलेश जी सरकार थी, नौकरियाँ मिली उसमें, और भाजपा में आप देख लीजिए, देखिए काम तो भाई विकास पे हमको नहीं दिख रहा है कोई विकास। भाजपा कह रही है कि प्रदेश में स्वशासन व्यवस्था, इस समय उत्तर प्रदेश में स्वशासन व्यवस्था बहुत अच्छी उन्होंने कर दी अपने कार्यकाल में, इतना पहले कभी नहीं रही। ये मैं मानता हूँ कर दी, ठीक है, ये आप एक्सेप्ट करते हैं भाजपा ने स्वशासन व्यवस्था अच्छी करी। हाँ, करी अच्छी, हाँ ये अच्छी करी। और बिजली बताते हैं, बिजली पे उन्होंने बहुत काम किया, वो कहते हैं कि पहले गांव में बहुत सी जगहों पे बिजली नहीं पहुंचती थी, जैसी हमारी सरकार आई हमने हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाई। नहीं नहीं, वो तो बिजली तो अखिलेश जी ने पहुँचाई, 24 घंटा गाँव में आती थी बिजली, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं भी गाँव में भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, 24 घंटा बिजली आती थी वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और चलिए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव ने एकाना स्टेडियम दिया, कई सारे विकास के कार्य किए, और कोई कह रहा है कि योगी जी ने बहुत अच्छी स्वशासन व्यवस्था करी और पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, कई सारे विकास के कार्य मोदी जी के कार्यकाल में बने रहे। ऐसे ही हम लखनऊ का भ्रमण करते रहेंगे, ग्राउंड स्तर की रिपोर्टिंग करते रहेंगे, लोगों से उनका ओपिनियन लेते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव UP News 24 लखनऊ।